देश भर में पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। विधानसभा के चुनाव खत्म होते ही पेट्रोल डीजल के दाम खौलने लगे हैं। इस बीच देश में पिछले 8 साल में पेट्रोल 43% महंगा हो गया है और डीजल के दाम 75% बढ़ गए हैं। इन 8 सालों में पेट्रोल डीजल पर लगने वाले टैक्स से सरकार की कमाई 4 गुना बढ़ी है। हालांकि इस दौरान राज्य सरकारों की कमाई 2 गुना भी नहीं हुई है। पिछले 20 दिनों में पेट्रोल डीजल की कीमतों में 10 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल के दाम में बढ़ोतरी होने से पेट्रोल डीजल महंगा हो गया है। तेल के दाम बढ़ने से इसकी मार आम आदमी को झेलनी पड़ती है, लेकिन इससे सरकारी खजाने में बढ़ोतरी होती है, वो फिर चाहे केंद्र सरकार का खजाना हो या फिर राज्य सरकार का। पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के तहत आने वाले पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल के मुताबिक 8 साल में पेट्रोल की कीमत 45% और डीजल की कीमत 75% तक बढ़ गई है। 1 अप्रैल 2014 को दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 72.26 रुपए प्रति लीटर और डीजल की कीमत 55.49 रुपए प्रति लीटर थी। इसके 8 साल बाद 11 अप्रैल 2022 को दिल्ली में पेट्रोल के भाव 105.41 रुपए प्रति लीटर और डीजल की कीमत 96.67 रुपए प्रति लीटर है। इन 8 सालों में पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले एक्साइज ड्यूटी के जरिए सरकारी की कमाई 4 गुना बढ़ गई है। PPAC के मुताबिक साल 2014-15 में केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी से 99,068 करोड़ रुपए कमाए। वहीं साल 2020-21 में 3.73 लाख करोड़ रुपए की कमाई हुई है। केंद्र सरकार ने साल 2021-22 में अप्रैल से सितंबर तक एक्साइज ड्यूटी से 1.70 लाख करोड़ की कमाई की है। पेट्रोल डीजल पर टैक्स से राज्य सरकारें भी बम्पर कमाई करती हैं। साल 2014-15 में राज्यों ने 1.37 लाख करोड़ रुपए की कमाई की थी। 2020-21 में यह कमाई बढ़कर 2.02 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गई। 2021-22 में अप्रैल से सितंबर तक ही राज्य सरकारों के खजाने में 1.21 लाख करोड़ रुपए आ गए हैं। भारत अपनी जरूरत का ज्यादातर कच्चा तेल बाहर से खरीदता है। कच्चा तेल बाहर से आने के बाद रिफाइनरी में जाता है। यहाँ से पेट्रोल और डीजल को अलग अलग कर निकाला जाता है। इसके बाद ये तेल कंपनियों के पास पहुँचता है। तेल कंपनियां अपना मुनाफा बनाती हैं और इसे पेट्रोल पंप तक पहुँचाती हैं। पेट्रोल पंप पर आने के बाद उसके मालिक अपना कमीशन जोड़ते हैं। यह कमीशन तेल कंपनियां ही तय करती हैं। उसके बाद केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से जो टैक्स लगता है उसे जोड़ दिया जाता है। पूरा मुनाफा, कमीशन और टैक्स जोड़ने के बाद पेट्रोल डीजल आम आदमी को मुहैया कराया जाता है। पहले पेट्रोल डीजल की कीमतें केंद्र सरकार ही तय किया करती थी, लेकिन जून 2010 में मनमोहन सरकार ने पेट्रोल की कीमतें तय करने का अधिकार तेल कंपनियों को दे दिया। इसके बाद अक्टूबर 2014 में मोदी सरकार ने तेल की कीमतें तय करने का अधिकार तेल कंपनियों को ही सौंप दिया। इसके बाद अप्रैल 2017 में यह तय किया गया कि पेट्रोल डीजल के दाम हर दिन तय किए जाएं। इसके पीछे तर्क यह दिया गया कि हर दिन कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट या बढ़ोतरी होती है, ऐसे में इसका फायदा आम आदमी और तेल कंपनियां दोनों को मिलेगा। हालांकि सरकार के इस कदम से आम आदमी को फायदा कम और सरकारी खजाने को सबसे ज्यादा फायदा हुआ है। मार्केट टाइम्स टीवी। अब नहीं जाना पड़ेगा कहीं। बिग ब्लिस 10 मिनट में लाएगा आपके घर दूध और दही। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान।